मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टा ऑफ माइंड सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी, अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ऋतिक के साथ 2-2 फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यारे और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा गया था और कहो ना प्यारे रिलीज नहीं हुई थी, तो सबने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। And I had faith because I knew कि मेरे डायरेक्टर जो है, he's brilliant, and इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। Yes, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ, थोड़ी माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? You know, lazy लम्हे की लड़की अब कैसे कदर करेगी? How will she play a mother of a 20+ year boy? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। Again, thanks to my director, my fabulous makeup team, जयवंजी, पूजा जी, and Rocky who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे, और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे, मुझे थोड़ा सा और मचो दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनुजी सेइंग माय प्रेशियस सकीना इज बैक। वाह, क्या बात है।